नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सभी महादेव के प्यारे एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, क्या हुआ जब कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान नदी में डूबने पर अपने भक्त की जान बचाने स्वयं आ गए महादेव। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां स्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। ये सत्य चमत्कारी घटना है वाराणसी में रहने वाले मनोहर जी और उनके परिवार की। उन्होंने बताया, क्योंकि हम काशी में रहते हैं ऐसे में महादेव के भक्त तो हम हैं ही, और हम सच्चे मन से रोजाना उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी बीवी है और मेरी 15 साल की बेटी जानवी है। ये घटना उस समय की है जब हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था और हमारा वहां जाने का बहुत मन था। ऐसे में कुंभ में जाने के लिए मैंने अपने पूरे परिवार का ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया। एक निश्चित तारीख को हम हरिद्वार के लिए रवाना हुए। कुंभ में शाही स्नान का बहुत अधिक महत्व रहता है, इसीलिए हम शाही स्नान वाले दिन ही जाने वाले थे। उसके बाद हम सभी हरिद्वार पहुंच गए और मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि आज मेरे साथ वो घटना होने वाली है जिससे मैं जीवन भर में कभी नहीं भुला पाऊंगा। मनोहर जी ने बताया कि क्योंकि उस दिन शाही स्नान था, ऐसे में हरिद्वार में उस दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ऐसी भयंकर भीड़ देखकर मैंने अपने पूरे परिवार को एक साथ एकजुट करा और अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया ताकि वो कहीं खो ना जाए, क्योंकि वो मेरी जान थी। उसके बाद जैसे तैसे भीड़ को पार करके हम शाही स्नान करने के लिए रवाना हुए, क्योंकि उसके बाद हमें महादेव और अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी करने थे। मैं, मेरे माता पिता और मेरी बीवी, हम चारों ही शाही स्नान में स्नान का लुफ्त उठा रहे थे और हमारी बेटी जानवी सामने छड़ाव पर बैठी थी, हमें देख रही थी। तभी उसने मुझसे जिद की कि पापा, क्या मैं भी नहाने आ सकती हूँ, मुझे भी नहाना है। तब मैंने उससे कहा, बेटा अभी यहाँ बहुत भीड़ है, तुम वहीं पर सुरक्षित हो और वैसे भी तुम्हें तैरना नहीं आता। तब तो उसने मेरी बात को मान लिया, परंतु थोड़ी देर के बाद हमें बहुत ही आनंद से तैरते हुए देखकर उसका मन भी ललचा गया और वो मुझे बिना बोले नदी में उतर गई। देखते देखते वो प्रभाव में चली गई और उसने मुझे जोर से पापा आवाज लगाई। तब मैंने उसकी ओर देखा तो एक नदी का बहुत ही बड़ा प्रवाह आया और मेरी बेटी को अपने साथ बहा करके ले गया। हम जोर जोर से चिल्लाने लगे, तभी वहां बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। मैं उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ा भी, परंतु वो प्रवाह इतना तेज था कि वो उसे पल भर में कहीं गायब कर चुका था। तभी मैं जल्दी से पानी से बाहर निकला और वहां स्थित जवानों को ये सूचना दी और उन्हें हमारी मदद करने के लिए कहा। पूरी फोर्स की टीम मेरी बेटी को ढूंढने में लग गई थी। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ जल्दी से महादेव के मंदिर गया। वहां पर हम सभी उनके सामने बैठे और हमने उनसे प्रार्थना की कि हे महादेव, ये हमारी इकलौती बेटी है, हम तो आप ही के द्वार पर आप ही के दर्शन करने आए थे, कृपया करके हमारा इकलौता सुख चैन हमसे मत छीनिएगा, और अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आज के बाद कभी भी हरिद्वार नहीं आऊंगा। उसके बाद दोस्तों, मनोहर जी की बेटी को ढूंढते ढूंढते फोर्स को पूरी रात लग गई, परंतु उनकी बेटी का नामो निशान तक नहीं मिला। और जब ये बात मनोहर जी को पता चली तो उनका पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा और उन्होंने यही समझा कि शायद गंगा मैया ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया है। परंतु दोस्तों, अभी महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार होना बाकी था। दरअसल जब अगली सुबह एक मंदिर पर बैठकर वो फूट फूट कर रो रहे थे, तभी एक व्यक्ति आकर उनसे बोलता है कि गंगा नदी के घाट पर एक लड़की मिली है जो कल से लापता थी। अब मनोहर जी के साथ उनका पूरा परिवार भागता भागता गंगा घाट पहुंचा और अपनी बेटी जानवी को वहां पाकर जल्दी से उसे गले से लगा लिया। उस समय दोस्तों, जानवी बिल्कुल सही सलामत थी और ये दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। जब मनोहर जी ने अपनी बेटी जानवी से पूछा कि आखिर तुम वापस यहाँ आई तो आई कैसे, तो उसने बताया कि मैं जब गंगा नदी के गहरे प्रवाह में डूबती जा रही थी, तब मैंने महादेव का स्मरण करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अचानक कहां से मेरी ओर एक रस्सी बढ़ी और मैंने उस रस्सी को पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो रस्सी एक नाव के साथ जुड़ी हुई थी और उस नाव के बलबूते में अगले घाट तक पहुंच गई, परंतु तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी और उस नाव के मालिक ने पूरी रात मेरी देखभाल की और आज सुबह ही मुझे होश आया।
मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई, तो ये मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। तब मनोहर जी ने उस नाव के मालिक का कोटि कोटि धन्यवाद किया, उन्हें बहुत ही शुक्रिया अदा किया। तब उस नाव के मालिक ने कहा, ये तो महादेव की ही लीला है और उन्होंने ही आपकी बेटी को बचाया है, अन्यथा गंगा नदी के इतने गहरे प्रवाह से आज तक कोई नहीं बचा। उसके बाद दोस्तों फिर से सभी लोगों ने महादेव को नमन किया और अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों ये थी आज की घटना, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।